कैसे मैंने सारा मैनेज किया और कैसे अपनी घर में जो है ना मैंने ईद पहुंचाई। इस दफा पापा 10-20 हजार डॉलर। झूठ बोल रही है। मामा ऐसा करें आप पापा को डायरेक्ट खुद कॉल मिलाएं। हाँ अभी कॉल करें और पूछें जल्दी। शुक्रिया शुक्रिया। खुशी की इंतहा। पापा आपने मामा को भेजी है ईदी, मेरी ईदी कहाँ है? आपको सरप्राइज मिलेगा, आप टेंशन वही चल दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फैसल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? हमेशा की तरह फिट होंगे। तो आपको पता है कि ईद का त्यौहार है और मैंने प्लान किया कि बच्चों को ईद कैसे भेजें। तो मेरी जो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ईद को कैसे भेजें, तो मैंने कुछ प्लान किया। तो मैंने ना इकरा को ना कॉल लगाई। मैंने कहा इस तरह भी मैं यहाँ से कुछ चीज़ें लेके भेजना चाह रहा था लेकिन यहाँ से कोई ना जाने वाला नहीं था कोई भी, तो अब इसका क्या तरीका किया जाए? तो वो कह रही पापा जी आप मुझे बताएं कि क्या किसको देना चाह रहे हैं। मैं कहा सरप्राइज़ है, आप अपनी मामा को ईदी दें। तो वो क्या लेना है, कोई सूट वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझ आ रही हैं कि जो लेडीज़ को पसंद होती हैं या उनकी मामा को जो चीज़ें पसंद हैं वो आप समझ दें सारा, तो वो उनको ले कर परचेज़ करो बाज़ार से और वो गिफ्ट पैक सरप्राइज़ गिफ्ट उनको दे दो। क्योंकि मैं यहाँ से अभी मतलब भेज नहीं सकता, कोई बंदा नहीं आ रहा, तो उसके लिए कुछ प्लान बताओ मुझे क्या करना है। तो कहती डन होगी, मैं खुद ही जाऊंगी बाज़ार से परचेज़ करूंगी और परचेज़ करके मैं वो चीज़ें जो है ना मामा तक पहुंचा दूंगी आपकी। ठीक हो गया। उसने कहा जी अब हमारी ईदी कहाँ है? तो मैंने कहा जी आपकी ईदी भी मिलेगी, आप फिक्र ना करें। तो कहती बहनों को भी देनी, मैं क्या वो भी मैं इंशाल्लाह दूंगा। असल में ये होता है कि आपके छोटे छोटे त्यौहार होते हैं ना, इसमें ये जो ईद होती है ना, इसमें ईद की जो खुशी जो सबसे बड़ी होती है ना, जब हम छोटे थे तो वो क्या होती है, बच्चों को ईदी, हमें ईदी मिलती है। बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, तो वो उसमें हम ईदी एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं कि ईदी दे दी, किसी को कैश की शक्ल में दे दिया, किसी को गिफ्ट दे दिया। हमारे दौर में आपको पता वो ईद कार्ड होते थे तो उनमें रख के हम पैसे और वो चीज़ें हम देते थे। तो अभी मैंने जो मेरे दिन में जो प्लान चल रहा था वो यही चल रहा था कि मैं कभी हमें उसको कैसे मैनेज करूँ। तो फिर वही मैंने इकरा को कॉल किया और सारा उसने मुझे सीन बता दिया। तो वो उसकी कॉल भी आपको जो किया है वो मैंने वो भी आप देखेंगे कैसे मैंने उसको कॉल किया, कैसे मैंने उसको सेटिस्फाई किया और फिर वो सारा वो कह दे कि ठीक है मैं ले लूँगी ईदी। तो वो अब घर ईदी जाएगी और उनके अपनी मामा को वो देंगी, तो वो एज ए गिफ्ट मेरी तरफ से होगा। तो होता ये है कि गिफ्ट तो और भी चीज़ें हो सकती थी, तो मेरे जहन में यही जाए भी उनको जो चीज़ें पसंद है ना वो दी जाए। तो उनको सूट या ऐसे जो होते हैं ड्रेसेस होते हैं या जूता होते हैं या जैसे कुछ और ज्वेलरी या इस तरह की चीज़ें होती हैं, आई डोंट नो कि वो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन मुझे जिन चीज़ों का आइडिया था मैंने उसको बता दिया कि तुमने खुद ही मैनेज करना है, खुद करके सारा कर देना, लेकिन वो मेरी तरफ से आपने देना है और जाके वहाँ से अच्छी चीज़ें बाय करके लेके आओ, बैंड से कुछ अच्छे सूट और जो सारी चीज़ें होती हैं। तो उसने डन कर लिया था और बाकी वो खुद ही ईदी को जा देगी। तो आप देखेंगे आगे कैसे ईदी जो है ना उनको मिली है और वो सारा पूरा जो है ना मैं मुझे सारा बताएं, तो आपको मेरी इस वीडियो में सारा पता चलेगा कैसे मैंने सारा मैनेज किया और कैसे अपनी घर में जो है ना मैंने ईद पहुंचाई। बच्चों के लिए भी मैंने सरप्राइज़ ईदी दे रहा हूँ, वो बच्चों को बच्चे भी पूछ रहे हैं दिलचस्प में है कि हमें क्या मिलेगा, हमें कैसे ईदी देंगे। उनकी मामा के लिए तो मैंने भेज दिया है, लेकिन उनके लिए क्या दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं। बच्चों को कुछ चीज़ लेकर गिफ्ट लेकर देने का तो वो नहीं, हर ईद पर जैसे छोटी ईद आती है, ईद फितर आती है, तो मैं उनको ना कैश देता हूँ। तो इस दफ़े मैंने प्लान किया कि मैं किसी तरीके से उनके ना उनको भेज दूँ, सेंड कर दूँ। तो वो भी आपको पता चल जाएगा आगे कि कैसे मैंने उनको भेजी। तो सम टाइम होता है कि अब यहाँ पे जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल ये हो जाती है कि मैं यहाँ पे दूर हूँ उनसे, बहुत ज़्यादा हज़ारों मील दूर बैठा हूँ। तो ईद की जो खुशियाँ होती हैं ना वो होती हैं इकट्ठे में रहने में, मिलकर एक जगह पर। अब मेरी भी पहली ईद है और मैं पहली जो है ना वहाँ पाकिस्तान से बाहर हूँ, तो बड़ा अजीब सी फीलिंग है और बड़ा अजीब सा वो हो रहा है कि अकेले रहकर यहाँ पे इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो दिल में वो चीज़ें आती हैं। तो घर में थे कभी ऐसा, मेरा नहीं ख्याल कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी ईद हो जो मैंने घर में अपने फैमिली के साथ ना की हो। तो मुझे था बड़ा कि मैं ना किसी तरीके से उनको ना अपनी कमी ना फील होने दूँ और उनको मैं गिफ्ट की शक्ल में या जैसे भी उनको कुछ चीज़ सरप्राइज़ दूंगा ना, तो वो हैप्पी होंगे, खुश होंगे। तो प्लान जो मेरा वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ और मैंने उन तक जो गिफ्ट है ना वो पहुंचाया। कैसे पहुंचाया वो भी आप देखें। चलिए जी गाइस, मेरे अब्बा की कॉल आ रही है।
अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? फुल आप अंग्रेज लगने लग गए मुझे तो। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है, वन फिट। आपको मिस कर रहे हैं। हम लोग मिस कर रहे हैं। हमने कहा इस दफा ईद पापा के बगैर कैसे। हाँ, नए नोट मिस करेंगे ना। हाँ जी, अच्छा, इसलिए आपको किया कि मैं लिखा हुआ कहता है मेरी लास्ट मांगना। ठीक है, मामा के लिए ना कुछ लेके ना गिफ्ट पैक करवा के तो वो उनको पहुंचाना सरप्राइज। अच्छा, वाह वाह भाई वाह, असर हो गया बेगम के लिए, देखो कितने कष्ट कर। मेरा असर नहीं हो, पहले शुरू से ऐसे हैं, उनका असर मुझे हो गया है। पापा किसी ईद मम्मा से दूर रहे नहीं है ना, मैंने पहली दफा देखा है। मम्मा हमेशा पास होती है, सबसे पहले मम्मा को ईद मिलती है और सबसे ज्यादा मम्मा को ईद मिलती है। माशाल्लाह, अरीब कह रहा है कि मेरा असर हो गया, मैं क्या, मैं भी टेंट का। इतना नहीं असर करना है। बाल में शैम्पू बदलना पड़ता, सीरियसली यार, बाल ऐसे हो जाते स्ट्रेट। अली यानी कि 3 इंच ऊपर जाएंगे फिर 2 इंच बाल भी। तो मम्मा के लिए ईदी प्रिपेयर करनी है और उनको बताऊं, उनको लेके जाऊं शॉपिंग करने, क्या करना है मुझे बताएं। यार उनको लेके तो पता लगे आपने गिफ्ट उसे पैक करवाओ, उसे पैक करवा के उसमें सारा कुछ डाल डूल कर जो कुछ लेना है तो समझ जाएंगे क्या, कपड़े जूते पर्स ज्वेलरी डाल के पापा ने भेजा है। ठीक है, तो भेजा। अच्छा, डन डन डन, तो मैं उनके अकाउंट में कैसे भी कैसे ना करवा के तो करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, डॉलर। अरे वैसे पापा 10,000-20,000 ईदी पाकिस्तानी देते थे, इस दफा पापा 10-20,000 डॉलर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मामा ने कहा मैं अमेरिका की गया, मेरी कुड़िया ने डिमांड ही बढ़ा ली है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक हो गया, हो जाएगा ये काम। डन। नहीं, हम तो ईद पे चले मिस करेंगे, लेकिन हम तो सारी फैमिली इकट्ठे हैं। पापा अकेले ईद पे ज्यादा मिस करेंगे, आप ज्यादा मिस करेंगे। हो जाएगा आपका एक काम, बस मैं बास्केट रेडी करके ना आपका वो मम्मा तक पहुंचा दूंगी। ठीक है, आप भी ख्याल रखें अपना। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ओके गाइस, तो यहाँ पे ना आप ही मुझे ना गेस करें किसकी ईदी देखी गई है, मामा की, और भिजवाई किसने है, स्पेशल खरीद के पापा ने, और बाकी बहनों ने तो ईदी मामा को दे दिया, लेकिन पापा की ईदी का ना वो वेट कर रही थी, उनको था इस दफ़ा बाहर है क्या ईदी भेजेंगे, लेकिन अपी के थ्रू पापा ने सारी ईदी कलेक्ट करवाई है, रखवाई है, और बोला है कि ये उनके लिए प्रॉपर सरप्राइज़ है, उनको नहीं पता चलना चाहिए कि मैं इस तरह से, मतलब इतनी दूर बाहर रह के भी ईदी अरेंज कर सकता हूँ। उसमें मुझे हो रहा है भाई क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, लेट्स सी। इतना खूबसूरत सा ड्रेस है, तो अभी हम लोग चलते हैं, इसको मामा को देते हैं और देखते हैं कि उनका रिएक्शन क्या होता है, कि जब उन्हें पता चलेगा कि उनके हस्बैंड ने उनके लिए सरप्राइज़ प्लान किया। सो लेट्स गो, अभी वो इस टाइम रूम में बैठेंगी। मॉमी, आपके लिए एक सरप्राइज है, गेस करें क्या? अभी नहीं दिखा रही, लेकिन मैं आज तो मैं सरप्राइज ही ले रही थी, बड़ी अब क्या सरप्राइज। लेकिन इस ये वाला सरप्राइज आप देखेंगे ना तो आपने कहना है वाओ, क्योंकि मुझे भी हो रहा था वाओ। मुझे कोई सरप्राइज देने वाली है? नहीं, मैं नहीं देने वाली, मैं ही देने वाली हूँ, लेकिन मैं भी नहीं देने वाली, कोई और देने वाला है। तो भैया आपके लिए आइए सरप्राइज ही दी, पकड़े जल्दी से। नहीं मामा, आई विश के मैंने दी होती आपको इतनी बना सवार के ईदी, लेकिन ये ईदी आपको आई है आपके, गेस करें, आपके 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 हस्बैंड की तरफ से। मजाक ना करो, हस्बैंड की तरफ से वो वहां से। मुझे लगा शॉक्ड हो जाएंगी, वाओ इतना प्यार करते हैं, कह रही है मजाक ना करो। मामा आपको अपने बंदे पे यकीन होना चाहिए, उन्होंने स्पेशल ये बना के भेजी और आपको नहीं पता उन्होंने किस किस से रابطہ किया है इसके लिए। वहां से ऐसी ईदगाह से मिलती है, पाकिस्तानी सूट चॉकलेट तो मिल सकती है, लेकिन जूता भी पाकिस्तानी, ये सारा कुछ ना ना। मामा ऐसा करें, आप पापा को डायरेक्ट खुद कॉल मिलाएं, खुद पूछ लें। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैंने क्यों झूठ बोला, मैं तो चाहती थी कि मैं अपना नाम लेके कहूँ मामा ही मैंने ईदी दी है, हालांकि मैंने नहीं दी है। मैं हाँ अभी कॉल करें और पूछें जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
हाय, क्या हाल है? मैंने एक बात पूछनी कि आपने कोई चीज भेजी है, कोई ईद भेजी है? जी। अच्छा, क्या भेजा है? पापा जी, वो आपने कैसे भेजी है? पापा जी, वो सरप्राइज ये पड़ा हुआ, सरप्राइज नहीं रहा, शौक में है वो भी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो मैंने ना तुम्हें इकरा को मैंने कहा था ना। हाँ बिल्कुल। अम्मा देख लें आपके हस्बैंड आपसे कितना प्यार करते हैं, इतनी दूर बैठ के भी आपके लिए स्पेशल ईदी चूड़ियाँ, जूते, कपड़े। यकीन आया वाकई भेजी, एकदम मैं शॉक्ड हुई हूँ कि नहीं नहीं वो कैसे भेज सकते हैं, वो तो जाके हमें भूल गए होंगे। ऐसा हो सकता है? चले थैंक यू करें मम्मा, ईदी लेके तो गुम हो गई एकदम से। मैं शॉक्ड हो गई हूँ, शॉक्ड, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। खुशी की इंतहा। अल्लाह 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 अल्लाह। लेकिन नहीं ठीक है भाई। यस मामा रॉक, नहीं पापा रॉक, मामा शॉक। पापा को पता था मैं कॉल करूंगी इसलिए इतना तैयार होके बैठे हुए। वो कह रहे हैं मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ, मैं एफर्टलेस ब्यूटी हूँ। नहीं पता था। अच्छा अब मुझे, पहले ना फातिमा ने भी दी है, इकरा ने भी दी है, लेकिन भला अब मुझे अब दीदी देख लेने दो। वाह जी वाह। चले जी दीदी दिखाएं। पापा को भी नहीं पता होगा उसने क्या क्या भेजी, पता है? नहीं नहीं उसने काफी ज्यादा चीजें भेजी हैं, आई थिंक ड्रेस, जूते, बैग, प्यारे प्यारे कपड़े, चॉकलेट, सब कुछ है अंदर। ये देखे अभी मामा ईद पे पहनेगी। आप पहले ये बताएं कि भेजा क्या क्या मेरे लिए। मैं बता देता हूँ क्या भेजा। मैंने भी मामा को दो शराफत से, और यार ये मामा को मिला ब्लू कुर्ता, दो चॉकलेट, एक मेरी एक मामा की। ये तो अनबॉक्सिंग, ज्यादा ख्याल नहीं रखने गाइस। अब हम सारे चीजें ना वन बाय वन दिखाते हैं। हाँ पापा को भी कहीं काम से जाना है। आप बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओके। और ये ईद वाले दिन भला मैं किसका सूट पहनूंगी, सिर्फ पापा का दिया। दान, दान, दान। पापा अपने मामा को भेजिए ईदी, मेरी ईदी कहाँ है? आपको भी सरप्राइज मिलेगा, आप टेंशन हो, ईद वाले दिन। ईद वाले दिन मिलेगा? पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। मैं भी लाइन में खड़ी हुई हूँ। सबको सबको डन, चलो डन करें, डॉलर्स में भेज दीजिएगा खूब सारा पैसा। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। इतना प्यारा है ये ड्रेस यार, और क्या है। वाह आई लाइक द चूड़ियां। वैसे इकरा की चॉइस काफी अच्छी होगी, ये बैग सबसे ज्यादा प्यारा लगा गाइस। और ये बैग लग रहा है अमेरिका से ही आया, न्यूयॉर्क लिखा हुआ है ना। इकरा प्यार, न्यूयॉर्क वाली चीज है। इकरा को भी हम समझ गए कि बड़ी प्लानर है, हमसे सरप्राइज रखते हैं, मुझे नहीं बताया। लेकिन आपकी की चॉइस इतनी अच्छी है कि एक चीज परफेक्ट मैच करके भेजी है। मेरा दिल आ गया ना यार। लोगों को मेरी ईदी कैसी लगी आप प्लीज कमेंट में बताना है। मुझे सबसे ज्यादा ईद ये वाली पसंद आई है। डन। आप सब लोग भी जैसे अपने प्यारों को, अपने घर वालों को, अपने फैमिली को जो ईद गिफ्ट देते हैं वो लाजम दिया करें, अपनी इस्तेदाद मुताबिक जितना आपसे ज़्यादा हो सके उतना दें, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, ये इंसान को ना एक दूसरे के साथ जोड़े रखते हैं। हम जब यहाँ पे अकेले अपने मुल्कों मुल्क से हज़ारों मील दूर बैठे हैं, तो यहाँ पे तो मेरे लिए तो वो मैं अकेला हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे ये यहाँ पे ये नहीं है कि मुझे मैं किसको ईदी दूँ। यहाँ पे तो वो लेने वाला भी नहीं, क्योंकि इन कंट्रीज़ में जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे तो ईद का पता भी नहीं इन लोगों को, तो ना ही यहाँ पे कोई त्यौहार उस के मनाए जाते हैं कि भी ईद का वो त्यौहार है, बच्चे हों साथ में, फैमिली हो, ऐसा कुछ लोग। तो मुझे वो दिल में हो रहा था कि मैं ना उनको कैसे कोई तरीका लगाऊं कि मैं उन तक जो है चीज़ें डिलीवर करूं। तो हमारे जो छोटे छोटे त्यौहार होते हैं ना, इनको भी सेलिब्रेट कैसे करना होता है, सेलिब्रेट करने के लिए आपको एक एफर्ट करनी पड़ती है और फिर उसको आप उसको अमली शक्ल में ले आते हैं। हमने दुनिया में देखे ना, बच्चे हैं कुछ ऐसे जो मेरे तरफ से हर वीडियो में मैसेज होता है कि भाई जो लोग बेचारे जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके कुछ खाने पीने का या उनके पास फंडिंग का या उनके पास कपड़े लेने का या ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं, वो भी उन तक पहुँचाएंगे। वो भी मैंने एक मैनेज की है, वो हिडन है। मैंने बहुत सारे लोगों को एक तरतीब लगाकर मैंने किसी की ड्यूटी लगाई पाकिस्तान में कि ये उन तक पहुँचा के आई जाए। तो आई थिंक मुझे ये मैसेज मिले हैं कल से कि 2-3-4 जगहों पर जो है ना उन्होंने कुछ चीज़ें डिलीवर कर दी हैं आपके कहने पे। तो बाकी कुछ जगह और रह गई हैं जहाँ पे मैं हर साल एक रूटीन में करता था, तो वो मैं पहुँचा रहा हूँ।
तो इस तरह सारे लोग जो साहब साहब जो अपनी हैसियत रखते हैं वो कर सकते हैं, वो अपने घर वालों के अलावा जो आपके गिरदोनवा में लोग हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ, उनको कुछ कपड़े या जूते या कुछ, मेरे ख्याल में बेहतर यह है कि उनको फ़ंड दे दिया जाए, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है कि ताकि अपनी मर्ज़ी से वो कुछ चीज़ ले लें। तो ये एक अच्छा अमल है, एक बहाना होता है इस त्यौहारों का, ये त्यौहार जब आते हैं तो हम बहाने से ही होता है ना कि हमने कुछ चीज़ उन तक पहुँचानी तो कैसे पहुँचाएँ, वो ढूंढना पड़ता है। जब आपके दिल में हो ना कि मैंने ये काम करना है तो आप कर जाते हैं, आप कर गुजरते हैं। हर बंदे की अपनी वो कोशिश होती है, वो सब मेरे से कई लोग कई सौ लोग जो है ना वो बेहतर तरीके से दे रहे हैं, और मुझे लगता भी है भी आप सब लोग ऐसा करते हैं कि जो लोग मुझे देखते हैं जो बात कर रहे हैं जो मुझे मेरा मुझे सुन रहे हैं वो मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना वो कर रहे होंगे, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे खुशी भी होती है। तो हम मिलके सारे ना इस सिस्टम को चलाएं। बाकी अपने घर वालों को मैंने खामोशी से जो ईद भेजी ना ये एक सरप्राइज़ है, क्योंकि उनको लगा था कि अब ये भाई रहे हैं तो ये भूल गए हैं, इनका कोई हमारे साथ वो नहीं है, ये निकल गए हैं बस, गए तो बैठे हुए तो अपनी इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को और बस ऐसा ही हमें बिल्कुल ही उन्होंने वो कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, भूला नहीं हूँ मैं। और बच्चों को भी इंशाल्लाह सरप्राइज़ मिलेगा ईद वाले दिन, अभी तक वो बिल्कुल सोच रहे होंगे कि हमें अभी तक पापा ने कोई ईद के लिए कोई चीज़ नहीं भेजी, ठीक है ना। तो बस ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था और ये मेरा पैगाम था, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो चीज़ें जो है ना आप भी करें, ठीक है ना, अपनी फैमिली के लिए, अपने गिरदोनवा वालों के लिए, सबके लिए करें, ठीक है ना। अब मुझे इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिएगा, और आपको मेरी तरफ से लास्ट सबको एडवांस ईद मुबारक। चलिए मुझे डॉक्टर फैसल को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच।